यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सर। आज की क्लास में हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर का जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में। तो आज है 18 फरवरी 2023, आपका कल है जो एग्ज़ाम होने वाला है राजस्थान CHO के लिए। उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक जो भी लोग पेपर देने वाले हैं, और जिनका भी अपकमिंग टाइम में SGPGI का पेपर होने वाला है वो लोग इस पेपर को एक बार ज़रूर देखना। जिनका MP व्यापम के लिए पेपर है, UP की जो यूनिवर्सिटी के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए एग्ज़ाम उसके लिए PGI संगरूर की डेट भी आ गई है, तो उन सभी नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये रिसेंट में हुआ ही पेपर है आपके लिए। टोटल 100 MCQs रहेंगे आपकी इस एक घंटे की क्लास में, जो आपके लिए पूरे ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर हैं, आंसर्स रहेंगे विथ रेशनल्स के। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट है जो लीव आउट कर सकते हैं। आपके लिए हर एक क्लास, हर एक क्वेश्चन पेपर आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग लाया जाता है, तो बेस्ट ऑफ लक उन सबको एक बार फिर से जिनका भी 19 तारीख को पेपर होने वाला है। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया है कि नर्सिंग ऑफिसर राजस्थान CHO के लिए एटलीस्ट 90,000 से ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए गए हैं। पोस्ट जितनी है मे भी हम ये कह सकते हैं कि एक पोस्ट के लिए जो फॉर्म फिलअप किए गए हैं, वन पोस्ट के लिए एक पोस्ट के लिए 3,000 के आसपास आपकी पोस्ट है और 90,000 फॉर्म है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा होने वाला है। राजस्थान का सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड ना किया हो तो प्लीज़ डाउनलोड कर लें, आपको अपनी सिटी के बारे में भी पता चल जाएगा कहाँ आपका पेपर है। तो यहाँ पर आज का जो पेपर है हमारा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया गया है, अ प्री सेनाइल डिजनरेटिव डिशीज ऑफ द ब्रेन अफेक्टिंग द फ्रंटल लोब इज कॉल्ड। तो यहाँ पर प्री सेनाइल डिजनरेटिव डिसीज़ है, क्या है? प्री सेनाइल डिजनरेटिव डिसीज़ है जिसमें ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है वो मेनली अफेक्ट होता है, जिसके लिए हम फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये कौन सी डिसीज़ है? प्री सेनाइल जुड़ गया मतलब कुछ डिमेंशिया से रिलेट करता हुआ आपकी याददाश्त में यहाँ पर कन्फ्यूज़न वगैरह होगी, तो ये क्या है? ऑप्शन में आपको एडिपस कॉम्प्लेक्स, ऑर्गज्म, पिक्स डिसीज़ या फिर न्यूरोलॉजिज्म। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा पिक्स डिसीज़। पिक्स डिसीज़ को जो दूसरा नाम दिया गया है वो है फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, जिसमें जो आपकी नर्व सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं, धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं, या तो ये धीरे धीरे में एट्रोफी होगी, एट्रोफी का मतलब श्रिंक होगी, सिकुड़ना स्टार्ट होंगी, जिससे आपकी जो क्षमताएँ हैं वो क्या होंगी, धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। तो इसीलिए इसको क्या कहा है, डिजनरेटिव डिसीज़, मतलब धीरे धीरे नर्व सेल की क्षमता खत्म हो रही है कुछ भी काम करने के लिए। और ये क्या है, डिजनरेटिव डिसीज़ जो मेनली फ्रंटल लोब को ही ब्रेन के अफेक्ट करती है, तो इसको फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसका फर्स्ट साइन होता है पिक्स डिसीज़ का, वो होता है बिहेवियरल चेंज, जब आपके नर्व जो न्यूरॉन्स हैं उनमें कंट्रोल ही धीरे धीरे खत्म होगा, श्रिंक होंगी धीरे धीरे, जो नर्व सेल्स हैं आपकी सिकुड़ेंगी, तो काम कैसे प्रॉपर करेंगी। तो यहाँ पर यही बेसिक सा फंडा है कि धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम को सोचने समझने की आपका जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे क्या होगा, बिगड़ेगा। अर्ली यहाँ पर हमें भी कह सकते हैं, जैसे अल्जाइमर्स में आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं, उसी तरीके के सिम्टम यहाँ भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल किसने लाया था? ऑप्शन में विलियम हार्वे, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक, जॉर्ज मेंडल या फिर रॉबर्ट ब्राउन। तो जो विलियम हार्वे हैं, कौन है विलियम हार्वे, इनका भी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आता है कि इन्होंने किसकी खोज की थी। तो विलियम हार्वे ने जो खोज की थी, इन्होंने ब्लड का जो वीनस ब्लड फ्लो है उसके बारे में खोज की थी। फिर यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि किस तरीके से हार्ट काम करता है, या फिर इन्होंने जो खोज की थी मैं इसी बेस पे थी कि जो हार्ट का जो वीनस ब्लड फ्लो है वो किस तरीके से होता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने भी डिस्कवरी की है, लेकिन इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल आपने 11th क्लास में जॉर्ज मेंडल की थ्योरी पढ़ी है, जॉर्ज मेंडल की थ्योरी पढ़ी है जिन्होंने मटर के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, एग्ज़ाम में आता है।
जो ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट थे, मैथमेटिशियन भी थे, जिन्होंने क्या किया था, जो खोज की थी इनहेरिटेंस की, जो मेन डिस्कवरी इनकी आती है वो यही है, फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा जॉर्ज मेंडल। और इन्होंने किस प्लांट के ऊपर ये अपना पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये किया था इन्होंने पी प्लांट, या फिर हम ये कह सकते हैं मटर के पौधे पर। इनके और अलग भी लॉ थे इनहेरिटेंस के, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीन लॉ थे मेंडल के। लेकिन जो मेनली एज अ नर्सिंग एग्जाम में आपके आता है वो इनहेरिटेंस का ही आता है। नेक्स्ट वन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल डिवाइसेस इज यूज्ड टू सपोर्ट द पेशेंट बैक। कौन सी मैकेनिकल डिवाइस है जो पेशेंट के बैक को सपोर्ट करेगी, पीठ को मतलब, बेड क्रेडल, फुट बोर्ड, बैक रेस्ट, या फिर कार्डियक टेबल। तो जो मैकेनिकल डिवाइस है पेशेंट के बैक को सपोर्ट करेगी वो होगा बैक रेस्ट। क्या होगा? बैक रेस्ट। नेक्स्ट वन इज द विच हॉर्मोन इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर बाय कंस्ट्रिक्टिंग आर्टरियोल्स ड्यूरिंग सीवियर हेमरेज। तो बीपी को कौन बढ़ाता है ब्लीडिंग के टाइम पर, सीवियर ब्लीडिंग के टाइम, सॉरी, जब आपका ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेज हो रहा है, तो उस टाइम पर कौन सा हार्मोन है जो आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाएगा आर्टरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करके? FSH, ऑक्सीटोसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन आपको बीपी बढ़ाने का काम कर रहा है, जब आपको ब्लीडिंग हो रही है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और ये काम करेगा एंटी डायरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये आर्टरियोल्स हैं, जो टिनी आर्टरी का जो और छोटा पार्ट होता है आर्टरियोल्स, उसमें क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, जिसके कारण बीपी क्या होगा, हाई होगा। नेक्स्ट वन इज द प्रोटीन प्रेजेंट इन म्यूकस इज, तो म्यूकस में कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लूटेन, म्यूसिन, न्यूमिन, या फिर मायोसिन। तो मायोसिन तो मसल्स में होता है, अब जो म्यूकस में प्रोटीन होता है वो कहलाता है क्या, म्यूसिन। क्या कहलाएगा? म्यूसिन। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम इज टर्म्ड एज, तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट को क्या कहा जाता है, एपनिया, टैकीकार्डिया, यूपनिया, या फिर ब्रैडीकार्डिया। तो क्या टर्म यूज़ किया जाएगा इसके लिए, नॉर्मल, यदि रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है, रिदम नॉर्मल है, तो वो कहलाएगा यूपनिया। जहाँ पर भी ईयू वर्ड जुड़ जाए दैट मीन्स सब चीज़ें क्या है, नॉर्मल है। जहाँ पर डिस जुड़ जाए, DYS, मतलब कुछ ना कुछ डिफिकल्टी यहाँ पर है। तो एपनिया यहाँ पर क्या होगा, एपनिया का मतलब है ब्रीदिंग प्रॉब्लम, या फिर सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग। टैकीकार्डिया का मतलब, या फिर इसको हम टैकीअरिथमिया भी कह सकते हैं, जिसमें हार्ट रेट और पल्स रेट 100 से भी ज़्यादा जाएगी, इतनी 100 से ज़्यादा, ब्रेडी में कितना होगा, 60 से भी कम होगी। नेक्स्ट वन इज द एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटोरिएटिंग द हेल्थ ऑफ द मदर इज नोन एज। तो एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है प्रेगनेंसी में, जिससे मदर की कंडीशन क्या होगी, इफेक्ट होगी, तो ये क्या कहलाएगा, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इक्लेम्सिया, हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम, या फिर अवॉर्शन। तो प्रेगनेंसी में जो वॉमिटिंग होती है वो आफ्टर 4 मंथ के बाद, या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सबसाइड हो जाती है, मे बी 80% केसेस में, लेकिन कुछ केस में रह जाती है। तो ये होता इसलिए है कि जो SCG हार्मोन है, जब आप UPT टेस्ट घर में ही करते हैं, यूरिन के सैंपल कलेक्ट करके जो UPT किट आती है, प्रेगनेंसी टेस्ट किट, उससे, तो वहाँ उसमें SCG हार्मोन होता है, जिसके कारण आपकी जो दो पिंक लाइन दिखती है, एग्ज़ाम में आता है UPT किट में कितनी लाइन दिखे, मतलब पॉजिटिव है 2 लाइन में। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी में यदि वॉमिटिंग होती है तो हम इसको कहेंगे हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम। ये हमेशा नहीं रहती है, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्रेगनेंसी में हाई ब्लड शुगर होना क्या कहलाएगा, जेस्टेशनल डायबिटीज़। ऐसे ही प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग का होना कहलाएगा हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम। और ये होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के ज़्यादा रिलीज होने के कारण, इसके कारण HCG का लेवल ज़्यादा रिलीज होने के कारण। नेक्स्ट वन इज द विच इज़ द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस की सबसे थिक लेयर कौन सी है, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एक्सोमेट्रियम, या फिर मायोमेट्रियम। तो यूट्रस की जो सबसे थिक लेयर है वो है मायोमेट्रियम, जो कि मसल्स की बनी हुई होती है। नेक्स्ट वन इज द
विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉज रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन। ये क्वेश्चन अभी जो रिसेंट में RML का पेपर हुआ है उसमें आया था कि जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि रेड ऑरेंज यूरिन कलर को कॉज करेगी वो क्या है, या फिर आपको ये पूछ सकते हैं कि यदि यूरिन का कलर रेड ऑरेंज है किस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटोल एंड रिफाम्सिन। अब यहाँ पर जिस मेडिसिन के कारण रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन हुआ है यूरिन का वो रिफाम्सिन। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता ही आता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को लेके क्वेश्चन आता है, आपकी 8th क्रैनियल नर्व को डैमेज करेगा, क्या करेगा, 8th क्रैनियल नर्व को डैमेज करने का काम करेगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को टेराटोजेनिक इफेक्ट क्रिएट करेगी, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज द एब्सेंस ऑफ बाउल साउंड एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी इंडिकेट। तो जो बाउल साउंड है एब्सेंट है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी एब्सेंट है, किसके बाद, कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है उसके बाद में, तो इसका मतलब क्या होगा, हेमरेज हो रहा है, इंटरसिसेप्शन हो रहा है, पैरालिटिक इलियस है कि फ्लैचुलेंस है, क्या हो रहा है कि जो बाउल साउंड है क्या है, एब्सेंट है इसके बाद एब्डोमिनल सर्जरी के बाद, तो ये कहलाएगा आपका पैरालिटिक इलियस। क्या होगा, ये कहलाएगा पैरालिटिक इलियस। पैरालिटिक जो इलियस है कैसी कंडीशन होती है कि जो बाउल है आपकी, कटोरी नहीं यहाँ पर हम आपकी इंटेस्टाइंस की बात कर रहे हैं, उनकी जो मोटर एक्टिविटी क्या होती है, इम्पेयर्ड रहेगी, या फिर किसी फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण या फिर कुछ अदर रीजन के कारण। तो यहाँ पर जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो होगी एब्डोमिनल सर्जरी, और इसके कारण बाउल साउंड क्या है, एब्सेंट हो रहे, क्योंकि जो बाउल है उनकी मोटर एक्टिविटी क्या हो रही, डिस्टर्ब हो रही है, तो सिचुएशन क्या कहलाएगी, पैरालिटिक इलियस। फ्लैचुलेंस का मतलब होता है गैस का बनना। नेक्स्ट वन इज द अनवांटेड बट अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनामिक्स इफेक्ट ऑफ अ ड्रग एट द थेरापीटिक डोज इज नोन एज। अनवांटेड है लेकिन ये अनअवॉइडेबल है, मतलब हम इनको अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, जो कि इफेक्ट हैं किसी भी ड्रग के, लेकिन आपने ड्रग दी है थेरापीटिक डोज ही दिया कि 3 ml प्रिस्क्राइब किया तो 3 ml ही दिया है, लेकिन उसका इफेक्ट होगा ही होगा, अनवांटेड है, आप नहीं चाहते कि हो लेकिन ये होगा, तो ये क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी है, साइड इफेक्ट, दैट मीन्स कि आप नहीं चाहते कि आपको कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, आप जो थेरापीटिक डोज है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वही ले रहे हैं, बट फिर भी उसका जो इफेक्ट होता है वो क्या कहलाएगा, साइड इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट का मतलब होगा कि ओवरडोज होना आपकी बॉडी में। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब है कि आपकी बॉडी है जो एक अलग तरीके से रिएक्शन करेगी, मतलब ये जो मेडिसिन आपने ली है वो आपकी बॉडी क्या कर रही है, उसके अगेंस्ट वर्क करके दिखाती है, तो वो कहलाएगी आपकी हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट वन इज द व्हेन द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूड एक्सीड 2 liters द कंडीशन इज कॉल्ड। जब भी एमनियोटिक फ्लूड 2 liters से ज़्यादा हो जाता है तो क्या कहलाएगा, ओलिगोहाइड्रोमनियोस, पॉलीहाइड्रोमनियोस, बैग ऑफ वाटर, या फिर एमनियोनाइटिस। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, जब एमनियोटिक फ्लूड, या फिर हम ये कह सकते हैं जो जो एमनियोटिक फ्लूड है या फिर AFI इंडेक्स है क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो ये क्या कहलाएगा, या फिर AFI इंडेक्स 24 cm से ज़्यादा हो जाए, तब हम इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रोमनियोस, या फिर 2000 ml से ज़्यादा या फिर 2 liters से ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूड हो जाता है, तब हम इसको क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रोमनियोस। और यदि इसके अपोजिट होता है, इसके अपोजिट में सिचुएशन होती है, मतलब कि जब कम होता है AFI इंडेक्स, एमनियोटिक फ्लूड है जो कितना है, कम होता है, तब हम इसके लिए क्या कहेंगे, तब ये सिचुएशन कहलाएगी ओलिगोहाइड्रोमनियोस। जब एमनियोटिक फ्लूड है जो 5 cm, जो AFI इंडेक्स, जैसा मैंने बताया कि पॉली में 24 से ज़्यादा होगा AFI इंडेक्स, लेकिन जो ओलिगोहाइड्रोमनियोस है इसमें 5 cm से भी कम रहेगा, सिंगल वर्टिकल पूल होता है, एमनियोटिक फ्लूड है जो क्या होगा 5 cm से भी कम होगा AFI, तब क्या कहेंगे हम इसको, ओलिगोहाइड्रोमनियोस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर,
हु इज नोन एज द फादर ऑफ असेप्टिक सर्जरी? तो असेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? के जनक कौन है? तो वो है जोसेफ लिसर। कौन है? जोसेफ लिसर। ऑप्शन में है हिपोक्रेट्स, जोसेफ लिसर, लुइस पाश्चर है, फिर सॉल्वेंट वाक्समैन। तो जो आपका आंसर है वो क्या है? जोसेफ लिसर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो हम हर साल वर्ल्ड विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो हम हर साल मनाते हैं अक्टूबर 10 को, 7 अप्रैल को, और अप्रैल 7 को क्या मनाते हैं? हेल्थ डे। तो यहाँ पर, और 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? पॉपुलेशन डे। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हम कब मनाते हैं? हर साल अक्टूबर 10 को और 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट वन, शोल्डर डिस्ट्रोकिया इज मैनेज्ड बाय। तो शोल्डर डिस्ट्रोकिया को आप कैसे मैनेज करेंगे? ऑप्शन में है यहाँ पर, लॉपसेट मैन्यूवर, लियोपोल्ड मैन्यूवर, मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर, या फिर वर्न मार्शल मैन्यूवर। शोल्डर डिस्ट्रोकिया के लिए कैसे मैनेज किया जाता है? तो शोल्डर डिस्ट्रोकिया मैनेज किया जाएगा कैसे? मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर के द्वारा। किसके द्वारा? मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर के द्वारा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अ नॉर्मल ह्यूमन सेल्स हैज हाउ मेनी क्रोमोसोम? तो नॉर्मल ह्यूमन सेल्स में कितने क्रोमोसोम होंगे? ऑप्शन में है यहाँ पर, 23, 46, 24 या फिर 48। नॉर्मल ह्यूमन सेल्स में यदि पेयर में पूछे तो कहना 23, लेकिन ओनली नंबर में पूछे तो कितने होते हैं? 46। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू मम्स इन मेल्स, मेल पेशेंट में मम्स के कारण मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? वीकनेस होगी, स्टरिलिटी होगी, ईयर एक होगा, या फिर मैनेंजाइटिस होगा। तो जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होगा वो क्या होगा? वो होगा स्टरिलिटी। क्या होगा? बांझपन और स्टरिलिटी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, पल्स प्रेशर इज डिफाइंड एज। तो पल्स प्रेशर का मतलब क्या होगा? पल्स प्रेशर का मतलब होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो दोनों जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के जो बीच का डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? पल्स प्रेशर। और नॉर्मल आप जो बीपी होता है 120/80, तो 120 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 40। वही क्या कहलाएगा? पल्स प्रेशर। तो नॉर्मली कितना होता है? 40, 40 mm of Hg। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द मेन एम ऑफ नर्सिंग केयर प्लान फॉर असिस्टेड मोबिलिटी एट बेड साइड वुड बी। तो यहाँ पर आप किसी पर्सन के लिए मेन एम है आपका NCP बनाने का, कि असिस्टेड मोबिलिटी मूवमेंट के लिए हेल्प करना है, बेड साइड आप ड्यूटी कर रहे हैं, क्या करेंगे आप? परफॉर्म एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, प्रमोट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी, बोथ ए एंड बी, इफ नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? दोनों काम करवाने हैं। परफॉर्म एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, क्योंकि मोबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, और दूसरा है प्रमोट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी। आपके लिए जो पेशेंट है उसको क्या कहना है? कि आप अकेले से भी एक्सरसाइज और एक्टिविटी कर सकते हैं, उसको प्रमोट करना है इंडिपेंडेंटली करने के लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द रोल ऑफ नर्स इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान फॉर डिप्रेस्ड पेशेंट वुड एसेंशियली इंक्लूड। तो आप किसी डिप्रेशन के पेशेंट के लिए नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट के तौर पर, तो यहाँ पर आपका जो एज अ रोल है डिप्रेशन के पेशेंट में एसेंशियल रोल क्या होगा? प्रिस्क्राइबिंग एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, तो ये डॉक्टर का काम है। इवैल्यूएशन ऑफ मेडिकेशन, मेडिकल कंडीशन एंड कोर्स ऑफ डिसीज, प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट थ्रू कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, या फिर ऑर्डरिंग द इन्वेस्टिगेशन फॉर पेशेंट। इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करना, ये काम साइकेट्रिस्ट करेंगे, आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा, पेशेंट को आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। किसके थ्रू? कॉग्निटिव और बिहेवियर थेरेपी के थ्रू। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिवेंटेबल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एक्सेप्ट। तो हॉस्पिटल के थ्रू होने वाले इन्फेक्शन है यहाँ पर सभी, किसी एक को छोड़कर, और उन इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो सभी हैं किसी एक को छोड़कर, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कैन्यूला एसोसिएटेड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, या फिर ड्रग एसोसिएटेड टॉक्सिसिटी। तो वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया, कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई एंड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इन तीनों को हम प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक के थ्रू क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन
ड्रग एसोसिएट टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करना हमारे हाथ में नहीं होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ डायरेक्ट कॉज ऑफ बैड सोर्स इन अ पेशेंट। तो बैड सोर्स डेक्यूबिटस अल्सर और प्रेशर सोर्स के लिए डायरेक्ट कॉज कौन सा नहीं है? ड्रग रिएक्शन, प्रोलॉन्ग सिटिंग और लाइंग इन सेम पोजिशन, पुअर सर्कुलेशन टू द अफेक्टेड पार्ट, कॉन्स्टेंट प्रेशर अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पार्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉज नहीं है, वो क्या है? वो ड्रग रिएक्शन। बाकी सभी क्या हैं? डायरेक्ट कॉज है। सेम पोजिशन में लेटे रहेंगे तो भी होगा, या फिर बैठे रहेंगे, पुअर सर्कुलेशन के कारण भी होगा, प्रेशर सोर और बैड सोर्स, और कॉन्स्टेंट प्रेशर पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर तो भी चांस होगी, लेकिन ड्रग रिएक्शन एक डायरेक्ट कॉज नहीं होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। तो जो यहाँ पर मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है वो क्या है? वो है सोडियम। बाकी सभी हैं। नेक्स्ट वन आया था आपको, हाइपरबोलेमिया कैन रिजल्ट बिकॉज ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो हाइपरबोलेमिया सभी के कारण होगा किसी एक को छोड़कर। तो हाइपरबोलेमिया अर्ली रीनल फेलियर के कारण भी होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कारण भी होगा, एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन के कारण भी होगा, लेकिन डायरिया में हाइपोबोलेमिया होता है, फ्लूड लॉस होगा ना कि इकट्ठा होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सी, डायरिया। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, नर्सिंग मेडिकेशन एरर्स मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन हॉस्पिटल आर। तो जो कॉमनली नर्सिंग मेडिकेशन एरर होते हैं हॉस्पिटल में वो कौन सा है? एरर रिलेटेड टू रॉन्ग डोज एंड इन्फ्यूजन रेट, एरर रिलेटेड टू रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, एरर रिलेटेड टू रॉन्ग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर एरर रिलेटेड टू रॉन्ग ड्रग बीइंग एडमिनिस्टर्ड। तो हमेशा जब आप ड्रग इन्फ्यूज करते हैं तो बहुत ही रेयर केस में आप चेक करेंगे कि जो ड्रग आप दे रहे हैं तो पेशेंट आप हमेशा सही फाइंड आउट करेंगे, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट भी आपको प्रॉपर पता होगा और ड्रग है जो किसको एडमिनिस्टर करनी है तो वो भी होगा, लेकिन डोज का जो इन्फ्यूज़न रेट है उसमें हमेशा गड़बड़ करते हैं, कौन चेक करे कितने ड्रॉप्स पर मिनट देना है, तो ये सभी चीज़ें। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन एरर्स अकर्स बिकॉज ऑफ अ फ्लॉ एट विच स्टेज। जब आप मेडिकेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा है जो एरर किस स्टेज में होती है? प्रिस्क्राइबिंग में, ट्रांसक्राइबिंग में, डिस्पेंसिंग में, या फिर एडमिनिस्ट्रिंग में? जस्ट अभी हमने पढ़ा 25th में कि जो डोज आप देते हैं सही रूट से देंगे, सही पेशेंट को दे रहे हैं, सब सही करेंगे, लेकिन जो इन्फ्यूज़न रेट है, मान लीजिए आपको कोई भी मेडिसिन 8 घंटे में एडमिनिस्टर करनी है IV कैनुला के थ्रू, तो आप करेंगे उतने में ही, लेकिन कितने कितने ड्रॉप्स पर मिनट जाना है, कितने ml पर आवर भेजनी है, वो आप उतना चेक नहीं करते। यदि स्लो जा रही है तो फास्ट कर देंगे, तो ये सब आप करेंगे। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। नेक्स्ट वन, विच टर्म इज़ यूज टू डिनोट नॉर्मल हार्ट रेट इन अ पेशेंट। यदि पेशेंट की नॉर्मल हार्ट रेट है तो क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? टैकीकार्डिया में तो क्या है? ज़्यादा है। ब्रेडिकार्डिया में कम है। साइनस रिदम, क्या होगा वो? साइनस रिदम। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइन ऑफ अ पेशेंट बाय नर्सिंग प्रोफेशनल इज़ रिक्वायर्ड। तो जब भी कोई नर्सिंग प्रोफेशनल क्या कर रहा है? किसी पेशेंट का वाइटल साइन रिकॉर्ड कर रहा है। क्यों कर रहा है? टू कीप पेशेंट हैप्पी, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड डिटेक्ट एनी एडवर्स इवेंट्स, टू फिल द मेडिकल रिकॉर्ड्स, या फिर टू हैव डेटा फॉर रिसर्च। तो आप पेशेंट का है जो वाइटल साइन क्यों चेक करते हैं? हैप्पी रखने के लिए पेशेंट को, कि उसके मेडिकल रिकॉर्ड के लिए, कि रिसर्च के लिए? तो आप किसी एज अ नर्स प्रोफेशनल और हेल्थ केयर प्रोफेशनल आप क्यों डेटा कलेक्ट करते हैं? वाइटल साइन क्यों लेते हैं? टू मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड डिटेक्ट एनी एडवर्स इवेंट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अ फीवर इज इंडिकेटेड व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेज ओवर ओरल टेम्परेचर ऑफ। तो फीवर इंडिकेट करेगा जब बॉडी टेम्परेचर आपने ओरली चेक किया तो कितना होगा? वो होगा 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, दैट मीन्स टेम्परेचर आपको क्या है? फीवर है। 98.6 नॉर्मल टेम्परेचर है, 97 कम हो जाएगा और जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? 99.5। नेक्स्ट वन है यहाँ पर,
इन अ पेशेंट द फ्लूड बैलेंस इज इंडिकेटेड बाय, पेशेंट में फ्लूड बैलेंस का पता कैसे चलेगा? मॉनिटरिंग ऑफ वेट, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, इनपुट आउटपुट चार्टिंग या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी के थ्रू पेशेंट के वजन से भी पता चलेगा फ्लूड का बैलेंस, फिजिकल एग्जामिनेशन से भी होगा, पेशेंट का इनपुट कितना खाया कितना बाहर निकाला इससे भी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन है यहाँ पर थीम फॉर द दिस ईयर्स नर्सेस डे 2022। 2022 में नर्सेस डे की थीम क्या थी? तो हमने रिसेंट में ही नर्सेस डे सेलिब्रेट किया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है जिस दिन। तो इस साल की थीम थी अ बॉयज़ टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द नर्सेस डे सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट। तो नर्सिंग डे हम क्यों मनाते हैं? फाउंडेशन डे ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग के लिए, एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा बर्थ, एनिवर्सरी ऑफ डे ऑफ ओपनिंग फर्स्ट साइंटिफिक नर्सिंग स्कूल। तो हम हर साल नर्सेस डे मनाते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के दिन। क्या मनाते हैं? एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स बर्थ। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ गिवन बाय WHO इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन एक्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ इज अ फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज। अब बताइए यहाँ पर डायमेंशन में कौन सा नहीं आया? तो मेंटल आया, फिजिकल आया, सोशल आया, लेकिन वोकेशनल नहीं आया। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी अफेक्टेड बाय लाइफ स्टाइल बिहेवियर एक्सेप्ट। लाइफ स्टाइल बिहेवियर के कारण सभी टाइप की डिसीज होंगी किसी एक को छोड़कर। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, कैंसर, हाइपरटेंशन या फिर टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस। तो सभी डिसीज होंगी लेकिन किसी एक को छोड़कर, तो वो होगी यहाँ पर टाइप फर्स्ट और जुविनाइल डायबिटीज मेलाइटिस। कौन सी? टाइप फर्स्ट और जुविनाइल डायबिटीज मेलाइटिस। और टाइप सेकंड जनरली उन लोगों को होने के चांसेस होते हैं उनके बिहेवियर लाइफ स्टाइल के कारण। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज दैट कैन बी रेगुलरली प्रैक्टिस्ड बाय नर्सेस इंक्लूड। तो कौन सी हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं जो नर्सेस रेगुलरली प्रैक्टिस करती हैं? मोटिवेटिंग पेशेंट फॉर हेल्थी लाइफ स्टाइल बिहेवियर, रेगुलर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफ पेशेंट, काउंसलिंग ऑफ फैमिली मेम्बर्स, FD, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों काम नर्सेस करती हैं अपनी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में। जब आप हॉस्पिटल में रहते हैं, पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी समझाने का काम करते हैं, पेशेंट को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी देते हैं, पेशेंट का जो बिहेवियर है लाइफ स्टाइल है उसके बारे में भी आप उसको मोटिवेट करेंगे। सो आंसर इज द ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन, द यूरिनरी आउटपुट ऑफ पेशेंट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ। तो पेशेंट का जो यूरिनरी आउटपुट है सबसे अच्छा किसका इंडिकेटर है? सीवियरिटी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्रेशर, लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस, स्टेटस ऑफ किडनी फंक्शन या फिर स्टेटस ऑफ मेडिकेशन। तो पेशेंट का यूरिनरी आउटपुट यदि बेस्ट इंडिकेटर होगा तो किसका? किडनी का, कि किडनी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं, किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन अ पेशेंट इज ईजिली असिस्ट बाय। तो पेशेंट में फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हम कैसे असिस्ट कर सकते हैं? बीपी से, पल्स रेट से, यूरिन आउटपुट से या फिर ऑल ऑफ दी अबव से? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ब्लड प्रेशर चेक करके भी पता चलेगा पेशेंट का बीपी हाई हो रहा है या लो हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा पल्स रेट से भी और यूरिन आउटपुट से भी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर यूजिंग ग्लव्स इज एब्सोल्यूटली मैंडेटरी इन विच ऑफ दी फॉलोइंग पेशेंट केयर एक्टिविटी। तो किस केयर एक्टिविटी में आपको कंपलसरी है कि ग्लव्स पहन के ही आपको ये काम करना है? मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, पेरिनियल केयर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, फिजियोथेरेपी या फिर रिकॉर्डिंग द वाइटल्स। तो मेडिकेशन के टाइम पर, फिजियोथेरेपी के टाइम पर, वाइटल्स चेक करने के टाइम पर आपको ग्लव्स की ज़रूरत नहीं है, जितनी आपको पेरिनियल केयर करने के टाइम पर, आफ्टर चाइल्ड बर्थ पेरिनियल केयर के टाइम पर आपको ग्लव्स पहनने की ज़रूरत है। सो हियर इज द आंसर इज बी, पेरिनियल केयर आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट इज एनी वेयर बिटवीन। तो नॉर्मली यूरिन आउटपुट कितनी होती है? नॉर्मली होती है 0.5 to 1.5 ml पर kg पर आवर। कितनी? 0.5 से 1.5 ml पर kg पर आवर।
नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है? विटामिन ए, विटामिन ए, जिंक, विटामिन सी। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। प्रोटीन क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अमंग फैट्स द कैटेगरी दैट शुड बी मिनिमली कंज्यूम्ड फॉर अ हेल्दी बॉडी आर। तो कौन सा फैट है हमें जिसको सब कम से कम खाना है ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे? मोनोसैचुरेटेड फैट्स, पॉलीसैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, या फिर नन ऑफ दीज। कौन से फैट हैं जिनको कम से कम खाना है? तो वो है सैचुरेटेड फैट, क्योंकि इनके ज़्यादा खाने से ही मोटापा बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा आपका, और आर्टरी में ब्लॉकेज होगा। तो इसी जो सैचुरेटेड फैटी फूड हैं उनको क्या करना है? कम से कम खाना है। अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ यूरिनरी आउटपुट। तो यूरिनरी आउटपुट के लिए करेक्ट मेजरमेंट क्या है? 30 ounce, 1 cup, 300 ml, या फिर 1/4। तो यहाँ पर वॉल्यूम दी पूछते तब हम मार्क करते अलग, 1 cup कह सकते थे, लेकिन यूरिनरी आउटपुट का मेजरमेंट पूछा है। क्या है मेजरमेंट पूछा है? तो किस में कैलकुलेट किया जाएगा? ml में। वो कितना होगा? 300 ml। कितना? 300 ml। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द मोस्ट कॉमन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशियंसी इन इंडिया इज। सबसे कॉमन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण कौन सी डिसीज होती है इंडिया में? आयोडीन की कमी के कारण, जिंक के कारण, विटामिन ए के कारण, या फिर आयरन के कारण? तो सबसे कॉमन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशियंसी है इंडिया में आयरन, और जिसकी कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, रिकमेंडेड एंटीनेटल विजिट्स फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन इन इंडिया। तो एंटीनेटल और प्रीनेटल विजिट, कंसीव करने के टाइम से लेकर डिलीवरी के पहले तक का जो टाइम होता है वो कहलाता है एंटीनेटल पीरियड। अब एंटीनेटल विजिट प्रेग्नेंट वुमेन को कितने बार करना चाहिए? 4 visits इंक्लूडिंग 1 as soon as प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड एंड 1 at term, 1 a month, 1 in 2 months, या फिर every 2 weeks। तो एंटीनेटल विजिट की बात करें तो जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो हमें तब जाना है, एटलीस्ट 4 visit करना है, और आपको एट टर्म, जब तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू है जब तक हो सके तो जब जाना है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए, 4 visits अकॉर्डिंग टू WHO के जो टोटल ANC विजिट कितनी है, एटलीस्ट 4 तो करनी ही करनी है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, फीडिंग कोलेस्ट्रम टू न्यूबॉर्न इज एसेंशियल बिकॉज। कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क होता है डिलीवरी के बाद बेबी को फीड कराया जाता है, मेमरी ग्लैंड सीक्रेट करती हैं, ब्रेस्ट सीक्रेट करते हैं, तो वो कहलाता है कोलेस्ट्रम। वो बेबी को एसेंशियल क्यों है कोलेस्ट्रम? इट इज़ गुड इन टेस्ट, अच्छा टेस्ट रहेगा। इट इज़ न्यूट्रिएंट डेंस एंड हाई इन एंटीबॉडीज एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। इट इज़ अ ट्रेडिशनल इन इंडिया। इट इंड्यूस ब्रेस्ट टू प्रोड्यूस द मोर मिल्क। न्यूबॉर्न बेबी के लिए एसेंशियल क्यों है कोलेस्ट्रम? क्योंकि इसमें हाई एंटीबॉडीज़ होंगी, एंटीऑक्सीडेंट होंगे, जो बेबी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे, इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, इट इज़ न्यूट्रिएंट डेंस एंड हाई इन एंटीबॉडीज एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ। तो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विटामिन डी डेफिशियंसी कॉज। तो विटामिन डी की कमी से क्या होगा? रिकेट्स होगा, ऑस्टियोमलेसिया होगा, ये दोनों होंगे। क्या होगा? रिकेट्स होगा, ऑस्टियोमलेसिया होगा, वेरी वेरी B1 के कारण होगा, और ड्राई आइस होंगी आपकी विटामिन ए की कमी के कारण। माउथ अल्सर जनरली विटामिन सी की कमी के कारण होते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, पल्स ऑक्सीमीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र। तो पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ हम किसको मेज़र करने के लिए करेंगे? तो ऑक्सीजन सेचुरेशन इन ब्लड, ब्लड में कितना ऑक्सीजन लेवल है पल्स रेट के लिए। तो आपका आंसर भी होगा यहाँ पर सी, बोथ थे एंड बी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, रेंज ऑफ मोशन डेपिक्ट्स। तो रेंज ऑफ मोशन से क्या होगा आपको? एक्सरसाइज दैट मूव ईच मसल्स एंड जॉइंट, आर्क ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लिम्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो रेंज ऑफ मोशन डिपिक्ट्स का मतलब है यहाँ पर ऐसी एक्सरसाइज जो आपकी ईच मसल्स और जॉइंट्स को मूव करने का काम करेंगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, फॉर अ पेशेंट विथ सीवियर हियरिंग डिसेबिलिटी द नर्स शुड। तो यदि किसी पेशेंट को सीवियर हियरिंग डिसेबिलिटी है, सुनाई देने में प्रॉब्लम होती है, तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे? फेस द पेशेंट एंड स्पीक क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, साउट एंड यूज एक्सरगेटिंग माउथ मूवमेंट्स, कीप साइलेंट, कम्युनिकेट विथ ओनली फैमिली।
ऐसे केस में आपको क्या करना है, पेशेंट के सामने जाके उसको क्लियर और इजी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए फेस द पेशेंट एंड स्पीक क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ट्रोकेंटर रोल इज यूज टू। तो मैंने आपको 3-4 डेज पहले ही बताया था ट्रोकेंटर रोल ये जनरली किसके लिए यूज़ किया जाता है, पेशेंट के जो एक्सटर्नल रोटेशन होगा हिप का, यदि किसी की हिप सर्जरी हुई हो तो यहाँ पर उसके लिए क्या किया जाएगा, ट्रोकेंटर यूज़ किए जाएंगे इस तरीके से। देखिए जो इमेज में दिख रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, प्रिवेंट द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन रिकॉम्बिनेंट पोजीशन। तो जब पेशेंट रिकॉम्बिनेंट पोजीशन में होगा तो उसको क्या करेंगे, उसको पैर हिलाने डुलाने में क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर रिस्ट ड्रॉप इज अ कंडीशन इन विच, जो आपका हाथ है वो झुका हुआ टाइप का रहेगा, तो ये किसके कारण होगा, फीमर मसल्स ऑफ रिस्ट एंड डिजिट डू नॉट वर्क, एक्सटेंसर मसल्स ऑफ रिस्ट एंड डिजिट डू नॉट वर्क, एब्डक्टर मसल्स या फिर एडक्टर मसल्स के कारण। तो ये होगा आपका एक्सटेंसर मसल्स के कारण, ये देखिए हाथ आपका ऐसा हो जाएगा, इसको क्या कहा गया, रिस्ट ड्रॉप, वो किसके कारण हो गए, एक्सटेंसर मसल्स के कारण। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस टू प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो यदि हमें वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को प्रिवेंट करना है किसी पेशेंट में, तो एज अ नर्स बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगा, रिड्यूस एक्सपोजर टू मैकेनिकल वेंटिलेशन, एक्सीलेंट ओरल केयर एंड सबग्लॉटिक सक्शनिंग, प्रमोटिंग अर्ली मोबिलिटी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, मैकेनिकल वेंटिलेशन के एक्सपोजर को कम करेंगे हम, एक्सीलेंट ओरल केयर, सबग्लॉटिक सक्शनिंग करवाएंगे और अर्ली मोबिलिटी को प्रमोट करेंगे जिससे पेशेंट का वेंटिलेटर हट सके। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आइडियल सोल्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम नॉन हेमरेजिक वुड बी। यदि पर्सन नॉन हेमरेजिक है तो कौन सा सही सोल्यूशन होगा इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम के लिए, तो वो होगा आइसोटोनिक सोल्यूशन। कौन सा होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट वन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPS, तो पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन रीजन क्या है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, एब्रप्टो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया या फिर अटोनिक यूट्रस। तो प्लेसेंटा प्रीविया तो APH का मोस्ट कॉमन कॉज है, और यहाँ पर जो पोस्टपार्टम हेमरेज का मेन कॉज है वो अटोनोसिटी ऑफ यूट्रस, यूट्रस की जो मसल स्टोन है वो क्या हो जाना, कमज़ोर हो जाना। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ द बॉडी आर इन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट माइटोसिस। तो बॉडी की कौन सी सेल्स है जिनमें कॉन्स्टेंटली माइटोसिस देखने को मिलेगा, तो वो है स्टमक सेल्स, कौन सी, स्टमक सेल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर द टोटल लंग कैपेसिटी इन अ हेल्दी एडल्ट मेल इज अप्रॉक्सीमेट। तो टोटल लंग कैपेसिटी होती है 6 लीटर, मेल में कितनी होती है टोटल नॉर्मल लंग कैपेसिटी, 6 लीटर। ऑप्शन में क्या है, 500 ml, 5000 ml, 600 ml या फिर 6000 ml। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा यहाँ पर 6000 ml या फिर 6 लीटर हम कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जाएंगे कितना होगा, 6000 ml। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोटोनिक इंट्रावीनस सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक इंट्रावीनस सोल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन DNS, 10% डेक्सट्रोज, 0.45% NaCl या फिर रिंगर लैक्टेट। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा रिंगर लैक्टेट। आइसोटोनिक इंट्रावीनस सोल्यूशन का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, रिंगर लैक्टेट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर WHO declared the 2019 novel coronavirus outbreak as a public health emergency of international concern on। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 में जब COVID-19 फैला था, 2019 नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ था, पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी घोषित की थी, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। तो कब की थी, वो की थी January 30, 2020 को, कब की थी, 30 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट इज अ रेक्टल टेम्परेचर मोस्ट यूजुअली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो कौन से क्लाइंट हैं जिसमें रेक्टल टेम्परेचर हम नहीं लेंगे, क्लाइंट हु हैज हैड अ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, क्लाइंट विथ पार्किंसंस डिसीज, क्लाइंट हु इज प्रोन टू सीजर्स, क्लाइंट विथ न्यूरोपैथोलॉजी एसोसिएटेड विथ डायबिटीज। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, रेक्टल टेम्परेचर हमें नहीं लेना है, तो वो है यहाँ पर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, क्योंकि यहाँ पर
वैगस नर्व में कंडक्शन देखने को मिलेगा। जब कंडक्शन होगा तो ये ब्लड प्रेशर को भी फ्लक्चुएट करने का काम करेगी, क्योंकि वैगस नर्व क्या करती है, पल्स रेस्पिरेशन और आपका जो हार्ट रेट है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। तो इसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट में क्या करेंगे, कभी भी रेक्टल टेम्परेचर हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन मियोसिस हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो मियोसिस में कितनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी, मियोसिस में जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी वो होंगी टोटल 4। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ओवरी कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगी जिससे FSH और LH के सीक्रेशन को इनहिबिट किया जा सके, कम किया जा सके, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन या फिर GnRH। कौन सा हार्मोन ओवरी रिलीज करेगी जिससे हम LH और FSH के लेवल को क्या कर पाएंगे, इनहिबिट कर पाएंगे, तो वो है एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट है यहाँ पर, द एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट विच डाइट्री कंपोनेंट। तो जो पेप्सिन एंजाइम है कौन से डाइट्री कंपोनेंट को क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर जाएंगे, प्रोटीन को, फैट को, कार्बोहाइड्रेट को कि विटामिन्स को, तो ये करेंगे प्रोटीन्स को। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द मोस्ट एविडेंट टिशू इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब सबसे ज़्यादा कौन से टिशू हैं ह्यूमन बॉडी में, एपिथीलियल, कनेक्टिव, नर्वस या फिर मसल्स टिशू। मोस्ट एविडेंट टिशू कहलाते हैं कनेक्टिव टिशू, कौन से, कनेक्टिव टिशू। नेक्स्ट है यहाँ पर, क्वालिटी अश्योरेंस इन नर्सिंग इज कंसर्न्ड विथ। तो क्वालिटी अश्योरेंस है नर्सिंग में वो क्या है, एडिक्वेसी ऑफ केयर, प्रैक्टिस रेटिंग, स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस या फिर ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस। तो यहाँ पर क्वालिटी अश्योरेंस है नर्सिंग की वो क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, डिफॉर्मिटी ऑफ विच बोन रिजल्टिंग इन स्प्रेंगल शोल्डर। तो स्प्रेंगल शोल्डर में क्या होता है कि जो आपकी स्कैपुला है, क्या है, स्कैपुला है, एक साइड स्कैपुला बहुत ऊपर साइड रहेगी और एक साइड नीचे रहेगी, तो इसको क्या कहा गया, स्प्रेंगलर शोल्डर। तो यहाँ पर जो डिफॉर्मिटी है किस बोन की, तो है स्कैपुला की। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज इन्वेंटेड बाय। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने की थी, लुइस पास्टर ने, पॉल एग्विन ने, एडवर्ड जेनर ने या फिर जॉन स्नो ने। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज की थी किसने, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अमीबियासिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू। तो अमीबियासिस का ट्रांसमिशन मोड क्या है, फीकोरल रूट, वेक्टर बॉर्न, पेरेंट्रल या फिर एयरबॉर्न। तो अमीबियासिस का जो रूट है वो कौन सा है, तो वो फीको ओरल रूट। कौन सा रूट है, फीको ओरल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज फाउंड इन विच अमंग दी फॉलोइंग। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया है, कहीं आता है कि कहाँ पे स्टोर होगा, कहीं आता है कि किससे मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा विटामिन डी किससे मिलेगा आपको, लिवर से, चीज़ से, एग योक से या फिर कॉड लिवर ऑयल से। तो सबसे ज़्यादा आपको विटामिन डी मिलेगा कॉड लिवर ऑयल से, किससे, कॉड लिवर ऑयल से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, कॉड लिवर ऑयल। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, 3Ds, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच अमंग दी फॉलोइंग। तो 3D सिम्टम किसके हैं, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, थायमिन के, बायोटिन के, नियासिन के या फिर राइबोफ्लेविन के। तो ये तीनों सिम्टम हैं पैलाग्रा के, और किसकी कमी के कारण होता है पैलाग्रा, तो होता है नियासिन की कमी के कारण। सो इज द राइट आंसर इज सी, नियासिन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, सर्जिकल ऑपरेशन इन विच एन ओपनिंग इज मेड थ्रू द एब्डोमिनल वॉल टू एनेबल डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट इन टू द इलियम, टू एनेबल डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट विदाउट पासिंग थ्रू द कोलोन इज। तो इसका आंसर क्या होगा, इलियोस्टोमी, गैस्ट्रोस्कोपी, आर्थ्रोस्कोपी या फिर वैसेक्टोमी। तो यहाँ पर इलियम की बात हो रही है, और यहाँ पर क्या करना है कि एक इंसीजन सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू क्या करना है, हमें एब्डोमिनल वॉल को इनेबल करना है जो डिस्चार्ज है वो इलियम में ना जाए। तो क्या है, वो है इलियोस्टॉमी, क्या है, इलियोस्टॉमी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट्स कंप्लेंट रिक्वायर इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। तो कौन से क्लाइंट के लिए हमें तुरंत है जो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, 40-year-old क्लाइंट विथ शार्प सीवियर पेन ड्यू टू रीनल स्टोन नॉट रिलीव्ड बाय एनाल्जेसिक्स, 35-year-old क्लाइंट विथ फ्रैक्चर फीमर कंप्लेनिंग ऑफ शार्प चेस्ट पेन या फिर बोथ ए एंड बी
या फिर अ क्लाइंट विथ अल्सरेटिव कोलाइटिस हैविंग लोअर एब्डोमिनल पेन। तो कौन सा केस है जिसमें हमें पेशेंट को तुरंत देखना है, तो वो है यहाँ पर 35 साल का क्लाइंट जिसको फीमर फ्रैक्चर है, साथ ही साथ में चेस्ट पेन भी स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है थ्रोम्बोटिक के कारण ना हो रहा हो डेवलप। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन अ साइकेट्रिक वार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट शुड द नर्स असेस फर्स्ट। तो साइकेट्रिक वार्ड में सबसे पहले आप किस पेशेंट को असेस करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक सिजोफेनिया हु इज विड्रावन। दूसरा है पेशेंट विथ एक्यूट एंजाइटी अटैक। थर्ड है एग्रोफोबिया का पेशेंट जो पूरे दिन रूम में है। लास्ट डिप्रेशन का पेशेंट जिसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले असेस करेंगे जिसको एंजाइटी अटैक आ रहा है, बाकी को आप बाद में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पेशेंट विथ एन एक्यूट अटैक ऑफ सीवियर एंजाइटी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। तो मेडिकल ट्रीटमेंट कहाँ है, मेडिकल में आएंगी आपकी, सर्जिकल में आएगा कार्डियक कैथेटराइजेशन, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ये आप नहीं कर सकते, जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो करेंगे, डॉक्टर्स करेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट में आएंगी ओरल मेडिकेशन, आप जाके उसको ओरली मेडिकेशन खिला सकते हैं। तो किस में आएगा, ओरल मेडिकेशन में। बाकी ये तीनों है जो सर्जरी के थ्रू किए जाएंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, हेमलिश मैन्यूवर इज यूज्ड। हेमलिश मैन्यूवर किसके लिए यूज़ किया जाता है, क्लियर फॉरेन बॉडी फ्रॉम एयरवे, रिमूव फॉरेन बॉडी फ्रॉम ईयर, आई, या फिर नन ऑफ दीज। तो हेमलिश मैन्यूवर अपनाया जाता है यदि एयरवे में कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हो उसके लिए। तो आपका आंसर होगा क्लियर फॉरेन बॉडी फ्रॉम द एयरवे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, कार्पल टनल सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ विच नर्व। तो कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियन नर्व क्या होती है, कंप्रेस होगी। आपके हाथ हैं कैसे होंगे, जिसको म्यूजिशियन नर्व भी कहा जाता है, मीडियन नर्व को, तो वही यहाँ पर अफेक्ट होगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन केस ऑफ निडल स्टिक इंजरी द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द नर्स शुड बी। यदि आपको निडल प्रिक हो जाती है हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट, टॉक टू सीनियर्स, वॉश द साइट विथ सोप एंड वाटर, या फिर चेक योर इम्यूनाइजेशन स्टेटस। सो हियर इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी कि आप सबसे पहले अपने साबुन और पानी से अच्छे से हाथ को धो लें, चाहे डॉग बाइट हो, कैट बाइट का केस हो, या फिर आपको निडल स्टिक इंजरी का केस हुआ हो। ऐसे केस में फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आप अपने हाथों को साबुन से अच्छे से वॉश करें। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ क्रैश कार्ट इन हॉस्पिटल एक्सेप्ट। क्रैश कार्ट में सभी एसेंशियल कंपोनेंट आर्टिकल्स की ज़रूरत होगी किसी एक को छोड़कर। डिफेब्रिलेटर की होगी, रिससिटेशन मेडिकेशन की ज़रूरत होगी, मटेरियल की ज़रूरत होगी जो पेरिफेरल आईवी एक्सेस के लिए ज़रूरी होगा, स्टेशनरी आइटम्स की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें आपके काफ़ी बुक्स, पेन, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, ये सब आएगा। तो आपके क्रैश कार्ट में इसकी ज़रूरत नहीं है, बाकी सबकी है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, एन एरर इन मेजरिंग ब्लड प्रेशर मे रिजल्ट बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जब आप बीपी मेजर करेंगे तो सभी इसमें से क्या होगा इसके कारण एरर आ सकता है, द साइज और पोजीशन ऑफ कफ इज रॉन्ग। यदि आपने कफ गलत तरीके से लगा दिया या फिर सही पोजीशन साइज से नहीं लगाया तो भी रॉन्ग आएगा। पेशेंट्स आर मिस पोजिशन अबव और एल्बो बिलो द लेवल ऑफ हार्ट। मान लीजिए आप हाथ नीचे कर रहे हैं तो अभी रॉन्ग रीडिंग आएगी, ऊपर कर रहे हैं तब भी आएगी। स्फिग्मोमैनोमीटर इज प्रेस टू फर्मली अगेंस्ट ब्रैकियल आर्टरी। आपने प्रॉपर तरीके से ब्रैकियल आर्टरी के यहाँ स्फिग्मोमैनोमीटर को नहीं लगाया तो भी रॉन्ग आएगी। तो आपका आंसर इनमें से कुछ भी हो सकता है। सो आंसर इज एनी ऑफ दीज। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, एपिकल पल्स ऑफ द पेशेंट कैन बी असिस्ड। तो एपिकल पल्स कहाँ चेक की जाती है, पालपेटिंग द रेडियल आर्टरी, पालपेटिंग द ब्रैकियल आर्टरी, ऑस्कल्टेटिंग द हार्ट, या फिर पालपेटिंग द कैरोटिड आर्टरी। तो एपिकल पल्स असिस की जाती है हार्ट के यहाँ पर, ऑस्कल्टेटिंग द हार्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर, बेड साइड असिसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन बाय नर्सिंग प्रोफेशनल इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बेड साइड असिसमेंट सभी है किसी एक को छोड़कर, रेस्पिरेटरी रिदम पैटर्न रेगुलरिटी तो ये आप चेक करेंगे, डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग भी आप चेक करेंगे,
एफर्ट्स, सांस लेने में कितने एफर्ट्स लग रहे हैं वो चेक करेंगे, लेकिन यदि चेस्ट इंजरी की बात हो रही है तो वो डॉक्टर का काम है, वो आपका काम नहीं है। असेसमेंट ऑफ एनी इंजरी टू चेस्ट, ये काम डॉक्टर करेंगे, लेकिन आपका काम क्या होगा कि जो रेस्पिरेटरी रिदम पैटर्न रेगुलरिटी है, ब्रीदिंग डेप्थ कितनी है, कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, ये सब आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, व्हाट शुड बी द नर्स इमीडिएट डिसीजन ऑन फिजिशियंस ऑर्डर ऑफ गिव 1 यूनिट ऑफ ब्लड इंट्रावीनसली। तो यहाँ पर इमीडिएट डिसीजन होगा फिजिशियन ऑर्डर का, कि कहा गया है कि गिव 1 यूनिट ऑफ ब्लड इंट्रावीनसली, आई वी रूट से आपको क्या करना है, ब्लड देना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रिपेयर द पेशेंट, कलेक्ट ब्लड यूनिट एंड क्लैरिफाई द ऑर्डर विद द फिजिशियन प्रायर टू एडमिनिस्टर, सीकिंग असिस्टेंस फ्रॉम द हेड नर्स, कलेक्ट ब्लड यूनिट एंड ट्रांसफ्यूज द पेशेंट, क्लैरिफाई द ऑर्डर विद फिजिशियन, प्रिपेयर द पेशेंट एंड कलेक्ट द ब्लड यूनिट। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट को प्रिपेयर करना है, ब्लड यूनिट से ब्लड कलेक्ट करना है, ऑर्डर को क्लैरिफाई करना है, एंड देन जो चीज़ें फिजिशियन ने कही हैं उनको हमें एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट वन होगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन, व्हेन शुड द बेसलाइन वाइटल साइंस बी रिकॉर्डेड बिफोर इनिशिएटिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उसके कितने टाइम के पहले आपको वाइटल साइंस चेक करने हैं, विद इन 30 मिनट, विद इन 1 आवर, विद इन 1.5 आवर, या फिर विद इन 2 आवर। तो बिफोर 30 मिनट्स, क्या है, विद इन 30 मिनट्स के हमें, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उसके एटलीस्ट विद इन 30 मिनट्स के पहले हमें क्या करना है, वाइटल साइंस को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट वन, अ नर्स शुड चेक द अवेलेबिलिटी एंड पेशेंसी ऑफ एनी इंट्रावीनस एक्सेस लाइन। तो यहाँ पर नर्स को पेटेंसी है जो IV एक्सेस की, कब चेक करना है, बिफोर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वार्ड, आफ्टर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वार्ड, वाइल ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड इफ नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन। तो IV रूट से जब हमें क्या करना है, IV लाइन को चेक करना है, तो कब करना है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करने वाले हों उसी टाइम पर हमें क्या करना है, चेक करना है। सो आंसर इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजिंग, सॉरी, वाइल ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस रिकमेंडेशन ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ एक्यूट स्ट्रोक पेशेंट्स इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर पेशेंट क्या, एक्यूट स्ट्रोक का पेशेंट है, तो यहाँ पर सभी चीज़ें एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस के बेस पर क्या है, रिकमेंड की जा रही हैं किसी एक को छोड़कर। रैपिड आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रियाज, तो ये आपको करना है। इनेबल डिलीवरी ऑफ 11 टाइम क्रिटिकल ट्रीटमेंट, ऑब्जर्व द पेशेंट, रैपिड ट्रांसफर टू एक्यूट स्ट्रोक यूनिट फॉर ऑनगोइंग असेसमेंट एंड प्रोविजन ऑफ फर्दर ट्रीटमेंट। एक्यूट स्ट्रोक का पेशेंट है, यहाँ पर क्लिनिकल प्रैक्टिस में एज अ नर्स आप क्या करेंगे, तो आइडेंटिफाई करना है रैपिडली, पेशेंट को ऑब्जर्व करना है और उसको तुरंत स्ट्रोक यूनिट में ट्रांसफ़र करना है, जिससे उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट मिल सके। नहीं करना है वो क्या है, इनेबल डिलीवरी ऑफ 11 टाइम क्रिटिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द फर्स्ट प्रायोरिटी इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट मैनेजमेंट ऑफ अक्यूट बर्न इंजरी वुड बी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पूछी है, बर्न पेशेंट है, पेशेंट कैसा है, एक्यूट बर्न पेशेंट है, तो जब भी फर्स्ट प्रायोरिटी पूछी जाती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। आफ्टर दैट आप फ्लूड रिप्लेस कर सकते हैं, वुंड क्लीन कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी मेंटेनिंग द एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, देन आफ्टर फ्लूड रिप्लेसमेंट थेरेपी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन क्लिनिकल सिचुएशन विच मेथड फॉर हैंड हाइजीन इज टू बी प्रिफर्ड। क्लिनिकल सिचुएशन का मतलब है कि आप ड्यूटी पर हैं, कोविड के पेशेंट की आप देख रेख कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, वॉश विथ सोप एंड वाटर, यूज एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, क्लीन योर हैंड ओनली वेन इट इज़ विजिबली सॉइल्ड, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो क्लिनिकल सिचुएशन का मतलब है कि आप हॉस्पिटल में हैं या फिर कहीं पर भी हैं, तो ऐसे केस में आपके पास क्या होना चाहिए, एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से आप अपने हाथों को क्लीन करके रख सकते हैं, सैनिटाइज करके रख सकते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, फॉर हैंड हाइजीन प्रोसीजर विच पैरामीटर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हैंड हाइजीन के लिए टाइम ड्यूरेशन ऑफ हैंड वॉशिंग, आप कितनी देर तक अपने हाथ वॉश कर रहे हैं, टेक्निक ऑफ हैंड वॉशिंग, कौन सी टेक्निक से हाथ धो रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं कि नहीं, कौन सी साबुन यूज़ कर रहे हैं, सब आएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बोथ A एंड B। नेक्स्ट वन है यहाँ पर,
विच नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बेस्ट प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन अ पोस्ट सर्जिकल पेशेंट। पोस्ट सर्जिकल पेशेंट में आप किसी पेशेंट में डीबीटी या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये ना हो। हाइड्रेशन एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ पेशेंट, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से, बेड मैनेजमेंट से या फिर कीपिंग पेशेंट वार्म। तो किसी सर्जरी हुई है किसी पेशेंट की भी, पोस्ट सर्जिकल पेशेंट है, तो डीबीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म को हम प्रिवेंट करेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट रहे, फिजिकली मूवमेंट करे, जिससे बॉडी में क्या हो कि जो एम्बोलस है या फिर थ्रोम्बस है उसका फॉर्मेशन, तो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अ पेशेंट ऑफ एनीमिया विथ हीमोग्लोबिन ऑफ 7 ग्राम परसेंट हैज बीन एडवाइज्ड आयरन इंजेक्शन इज प्रिफर्ड थेरेपी बाय द फिजिशियन ऑन बीइंग गिवन द प्रिस्क्राइब्ड इंजेक्शन बाय इंट्रामस्कुलर रूट। द पेशेंट सडनली डेवलप्स ब्रीथलेसनेस, नॉजिया, हाइपोटेंशन, व्हाट शुड बी द मोस्ट प्रोबेबली कॉज। यहाँ पर देखिए 7 ग्राम परसेंट क्या है, हीमोग्लोबिन लेवल है, आयरन के इंजेक्शन दिए गए, इंजेक्शन देने के बाद उसको IM रूट से इंजेक्शन दिया गया आयरन का, उसके बाद उसको क्या हो रहा है, उसका BP लो हो रहा है, नॉजिया हो रहा है, ब्रीदलेसनेस हो रही है, तो ये सभी किसके साइन है, ये सभी यहाँ पर एनाफ्लैक्टिक रिएक्शन के साइन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी एनाफ्लैक्सिस। ऑप्शन में था रॉन्ग साइड ऑफ इंजेक्शन को सही दिया, IM रूट से दिया जाता है, रॉन्ग टेक्निक ऑफ इंजेक्शन एनाफ्लैक्टिक या फिर हार्ट अटैक, लेकिन यहाँ पे BP लो हो रहा है, नॉजिया हो रहा है, ब्रीदलेसनेस हो रही है इंजेक्शन के बाद, तो सभी कैसे हैं, एनाफ्लैक्टिक साइन है। नेक्स्ट वन, नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर इज टिपिकली, तो जब हम रेक्टम से टेम्परेचर लेते हैं एज कम्पेयर टू ओरली, तो क्या डिफरेंस रहेगा, ग्रेटर देन ओरल टेम्परेचर इक्वल टू ओरल, ग्रेटर देन ओरल या नो रिलेशन टू ओरल टेम्परेचर। तो हमेशा हमेशा रेक्टल टेम्परेचर 1.1 है जो ज़्यादा ही आता है ओरल के, तो इसीलिए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यदि ओरल टेम्परेचर कितना आया है आपका 99.8 आया है और रेक्टल कितना आया है 99.9 आएगा, तो हमेशा रेक्टल टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा ओरल से। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इफ अ पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ ऑर्थोपनिया इट इज़ बेस्ट टू मेक हिम, तो यदि पेशेंट को ऑर्थोपनिया है तो यहाँ पर सही तरीका क्या होगा, लाई डाउन स्ट्रेट ऑन बेड, सिट ऑन बेड इन अपराइट पोजीशन, वॉक अराउंड इन द रूम या फिर वी इन एनी पोजीशन। तो ऑर्थोपनिया का पेशेंट है तो वो सही तरीके से सांस तभी ले पाएगा जब उसको आप अपराइट पोजीशन में बिठा के रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, द बेस्ट स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट कैन्यूला साइट इन्फेक्शन इज, तो कैन्यूला साइट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है, पीरियोडिक ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यूज ऑफ हैंड हाइजीन एंड एसेप्टिक टेक्निक ऑफ इंसर्शन, स्किन एंटीसेप्सिस, फ्रिक्वेंट चेंज ऑफ कैन्यूला। तो कैन्यूला साइट में हम इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे, आप अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश कीजिए, देन आफ्टर एसेप्टिक टेक्निक के थ्रू क्या कीजिए, कैन्यूला को इंसर्ट कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, इमीडिएट नर्सिंग केयर एक्टिविटीज़ फॉर एन अनकॉन्सियस पेशेंट इंक्लूड्स ऑल ऑफ दी फॉलोइंग एक्सेप्ट, पेशेंट बेहोश है, अनकॉन्सियस है, तो सभी चीज़ें करना है आपको नर्सिंग केयर के तौर पर किसी एक को छोड़कर। पेशेंट का आपको फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना है, एयरवे पेटेंसी मैनेज करना है, मेडिकेशन देना है, लेकिन न्यूट्रिशनल लेवल को आप बाद में भी मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी मेंटेनिंग द न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन अ पेशेंट, टिशू में ऑक्सीजन का लेवल कम होना हाइपोक्सिया है, अर्ली इंडिकेटर क्या होगा, अर्ली इंडिकेटर होगा एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस, क्या होगा, लेट में आएगा साइनोसिस, लेकिन अर्ली पूछा है क्या, एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ अ नर्सिंग ऑन नोटिसिंग सस्पेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन्फॉर्म द पेशेंट अटेंडेंस, कॉल द डॉक्टर, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन या फिर मॉनिटर यूरिन आउटपुट। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के टाइम पर आपकी, कि जो ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है उसको तुरंत इमीडिएटली स्टॉप करना। नेक्स्ट वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटेंडेड आउटकम ऑफ यूजिंग साइड रेल ऑन पेशेंट बेड वुड बी, तो साइड रेल पेशेंट के जो बेड में साइड रेल दिए जाते हैं वो क्यों दिए जाते हैं, प्रिवेंटिंग पेशेंट फ्रॉम फॉल इंजरी, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू ड्रिप सेट, टू हेल्प इन बेड हाइजीन मैनेजमेंट या फिर टू रिस्ट्रेंट द पेशेंट।
तो साइड रेल्स क्यों दिए जाते हैं? ताकि पेशेंट बेड से फॉल डाउन ना हो सके। मान लीजिए पेशेंट डिजीनेस आ रही है उसको, कुछ भी इस तरीके से चक्कर टाइप से आ रहे हैं, तो उसको हमें क्या करना है, गिरने से बचाने के लिए साइड रेल यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वन, इन अ पेशेंट डायग्नोस्ड ऑफ हैविंग एन एक्यूट एनाफिलैक्टिक अटैक द फर्स्ट नर्सिंग वुड बी, तो यदि एक्यूट एनाफिलैक्टिक अटैक आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑप्शन है एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन, कॉल द फैमिली, लुक फॉर पॉजिटिव एजेंट या फिर चेक द मेडिकेशन चार्ट। एनाफिलैक्टिक अटैक है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, यदि आपके पास एपिनेफ्रिन अवेलेबल हो तो उसको तुरंत एडमिनिस्टर करना। नेक्स्ट है यहाँ पर, द कार्डिनल साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कार्डिनल साइन है कार्डियक अरेस्ट के, सभी किसी एक को छोड़कर, एपनिया होगा मतलब सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग, डायलेटेड नॉन रिएक्टिव पीपल होगा, नहीं होगा क्योंकि ये जनरली जो डेथ पर्सन होते हैं उनमें देखने को मिलेगा, ना कि कार्डियक अरेस्ट में। कोल्ड क्लैमी स्किन होगी, कैरोटिड एंड फीमोरल पल्स एबसेंट रहेगी। लास्ट है यहाँ पर, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। CPR का करेक्ट सीक्वेंस होता है एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। तो ये था आपका पेपर GMCH का, 28 तारीख को हुआ था। आई थिंक 165 वैकेंसी थी, मुझे उतना क्लियरली याद नहीं है। जो भी लोग पेपर दे के आए थे, आई होप उन सभी का पेपर अच्छा गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।